आए ऋतु राज तो विसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जरूरत जीवन को चेतन काटा बदल गया। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग सतमोला नमकीन। डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग हाँ सतमोला नमकीन। हमारा उद्देश्य सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि व्यक्तित्व में एकाग्रता, स्मरण शक्ति और ठहराव में वृद्धि करना है। जी हाँ, सुर संगम संगीत शिक्षण के क्षेत्र में एक जाना माना नाम। आप अपने आप को संगीत की शिक्षा से जोड़ें और एक संतुलित व्यक्तित्व के मालिक बने। प्रयाग संगीत समिति द्वारा संचालित हमारे वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होकर अपनी योग्यता को बढ़ाएं। सुर संगम। अगर आप अपने जीवन की समस्याओं से परेशान हैं, तो एक बार आचार्य आरती सिंघल जी से अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। सरल उपाय द्वारा अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाएं। किसी भी तरह की वीडियो शीट की रिक्वायरमेंट है तो कॉन्टैक्ट करें एसएम प्रोडक्शन हाउस और अपने फिल्म शूट, वेडिंग शूट, प्री वेडिंग शूट, शॉर्ट मूवी, वेब सीरीज, कैंडिड फोटोग्राफी, पोर्टफोलियो और हर प्रकार का सिनेमाटोग्राफिक वर्क करवाएं बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पर। फॉर डिटेल्स कॉन्टैक्ट एसएम प्रोडक्शन हाउस और अभी कॉल करें नीचे दिए गए नंबरों पर। आई रिकमेंड एसएम प्रोडक्शन हाउस। तो ये थे डॉक्टर जयसिंह आर्य जी, जिन्होंने पुलवामा की बात की, जिन्होंने अभिनंदन की बात की, जिन्होंने देश की बात की। मुझे चार पंक्तियां याद आती हैं और अगले बड़े कवि के लिए मैं ये चार पंक्तियां प्रयोग करना चाहता हूं और उन्हें आमंत्रित करूंगा हास्य के बड़े कवि के लिए। हास्य की चार पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं कि दुनिया में भारतीय सबसे तेज रहे हैं, दुनिया में भारतीय सबसे तेज रहे हैं, इतिहास में सुनहरी अपने पेज रहे हैं। शुक्र करो सेना का तुम तो जिहादियों, हूरों के पास जल्दी जल्दी भेज रहे हैं, हूरों के पास जल्दी जल्दी भेज रहे हैं। तो लीजिए हम हास्य की गंगा में लगवाते हैं गोता और करुणा का करते हैं अंत। जी हाँ, आ रहे हैं हमारे बीच सुनहरी लाल वर्मा तुरंत दो बार तालियों से वंदन करें। सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों, श्रोताओं और इसके चाहने वालों को प्रणाम करता हूँ। प्रवीण आर जी को विशेष प्रणाम और दूसरे नंबर पर हमारे दादाजी रसिक गुप्ता जी को खास तौर से प्रणाम, क्योंकि मुझे आज यहाँ बोलने का मौका दिया। चुनाव आ गए हैं और चुनाव हम लोग कभी चुनाव हुआ करते थे, अब तो चुनाव एक कुछ ऐसा विषय बन गया है, ऐसा लगता है जैसे जंगल में चुनाव हो रहे हैं। और जब जंगल में चुनाव होते हैं उसकी कल्पना करिए, जंगल के सारे हिंसक जीव चुनाव के समय अपना रूप और अपना स्वभाव बदल देते हैं और बहुत ही कोमल स्वभाव के बन जाते हैं। वैसा ही कुछ मुझे भी लग रहा है कि चुनाव ऐसे ही हो रहा है कि जंगल के जीव चल पड़े चुनाव आ गए,
कि जंगल के जीव चल पड़े चुनाव आ गए और नेता उछल उछल पड़े चुनाव आ गए, नेता उछल उछल पड़े चुनाव आ गए। झंडा किसी के हाथ तो डंडा किसी के हाथ, झंडा किसी के हाथ तो डंडा किसी के हाथ, और काया किसी के साथ तो माया किसी के साथ। चेहरे बदल निकल पड़े चुनाव आ गए और नेता उछल उछल पड़े चुनाव आ गए। अब कविता शुरू होती है यहाँ से कि कौवे सुरीली तानों में कोयल से गा रहे, कौवे सुरीली तान में कोयल से गा रहे और बगुले भी मछलियों को तैरना सिखा रहे, बगुले भी मछलियों को तैरना सिखा रहे। पत्थर के दिल पिघल पड़े चुनाव आ गए और नेता उछल उछल पड़े चुनाव आ गए। कि भेड़ों को भेड़िए दुलार प्यार कर रहे, भेड़ों को भेड़िए दुलार प्यार कर रहे, अब गिद्ध मांस छोड़ फलाहार कर रहे, भेड़ों को भेड़िए दुलार प्यार कर रहे, अब गिद्ध मांस छोड़ फलाहार कर रहे। यह देख दिल बहल, यह देख दिल दहल पड़े चुनाव आ गए और नेता उछल उछल पड़े चुनाव आ गए। और देखिए नेता तो नेता, नेतियां भी कम नहीं हैं, ये एक एक से बढ़कर एक है। एक से बढ़कर एक, नर से भारी नारी। नीतियों को देख देख के नीतियां बनती है। हाँ, नीतियों को देख के नीतियां बनती है, सही कह रहे हैं आप। देखिए नीतियों के बारे में सुनिए कि सिंहनी भी मेमनों को लोरियां सुना रही, सिंहनी भी मेमनों को लोरियां सुना रही और चूहों को गोद लेके बिल्लियां झुला रही, चूहों को गोद लेके बिल्लियां झुला रही। सारे ही खल बदल पड़े चुनाव आ गए और नेता उछल उछल पड़े चुनाव आ गए। और गठबंधन की राजनीति देखी जंगल में, गीदड़ सियार बाघ घाघ संत बन गए, गीदड़ सियार बाघ घाघ संत बन गए और मृगराज शेर खान अब महंत बन गए, मृगराज शेर खान अब महंत बन गए। और मिलकर सभी निकल पड़े चुनाव आ गए और नेता उछल उछल पड़े चुनाव आ गए। इस सारे जीव जंतुओं ने अपने स्वभाव को बदला, एक जीव ने तो कमाल कर दिया, स्वर्ण अक्षरों में उसका नाम लिख गया गिनीज बुक में और पद्मश्री मिलेगी उसको भी। कि जिस पर जो बन सके करम महान कर दिए, जिस पर जो बन सके करम महान कर दिए और सांडों ने अपने सींग पुण्य दान कर दिए, और सांडों ने कि जिस पर जो बन सके करम महान कर दिए और सांडों ने अपने सींग पुण्य दान कर दिए। क्यों कर दिए? कि वोटिंग में ना खलल पड़े चुनाव आ गए
और नेता उछल उछल पड़े, चुनाव आ गए जंगल के जीव उछल पड़े, चुनाव आ गए नेता उछल उछल पड़े, चुनाव आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर नए नए कवि नए नए कवियत्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ और इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा सभी भाइयों को सभी कवियों को मेरी तरफ से नमस्कार। सतमोला कवियों की चौपाल का जो कार्यक्रम 16 साल से निरंतर प्रत्येक रविवार को जो चल रहा है, और उसमें जिसके दर्शकों की संख्या भी तकरीबन 19 लाख हो गई है, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। कुछ कवियों की भाषाओं में गिरावट आ गई है, जो एक निंदनीय कार्य है और शोचनीय है। इससे हमारी साहित्य परिषद की तरफ से मैं उसकी निंदा करता हूं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी एक भाषा की मर्यादा लोग भूलते जा रहे हैं। हमारे देश के जो बड़े नेता हैं उनके लिए भी अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, खाली एक हंसाने की या एक वाह वाही लूटने की एक उनकी आदत बन गई है। अपनी मर्यादाओं को भूलते जा रहे हैं। मैं इस बात की उनकी निंदा करता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो ये कार्यक्रम चल रहा है, मैं इसकी उनको बधाई देता हूं, वो अच्छा प्रयास कर रहे हैं और इससे हमारा देश अच्छा रहे, हमारी संस्कृति बची रहे, हमारा जो प्रयास ही है ये सफल रहे। मैं अपनी तरफ से, अपने वनवासी रक्षा परिवार की तरफ से, हरि सत्संग समिति की तरफ से और सभी देशवासियों की तरफ से, मैं इस कार्यक्रम के प्रायोजकों को, साहित्य परिषद को मैं बधाई देता हूँ। ऐसा कार्यक्रम चलता रहना चाहिए ताकि हमारी साहित्य की मर्यादा बची रहे। मेरा सबसे ये निवेदन है, इसमें पूरा सहयोग करें। आए रे सुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जलपत जीवन को, चेतन काटा बदल गया। रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग सतमोला नमकीन। डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग हाँ सतमोला नमकीन। Oh,
कालांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मों जन्मों के पुण्य जब एकत्र हो जाए तब भागवत की प्राप्ति। रिश्तों में धन्यवाद देकर आप अपने रिश्तों को कितना खूबसूरत बना सकते हो। श्रीमद् भागवत कथा जीना भी सिखाती है और मरना भी सिखाती है। अगर आप अपनी जीवन की समस्याओं से परेशान हैं, तो एक बार आचार्य आरती सिंघल जी से अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। सरल उपाय द्वारा अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाएं। किसी भी तरह की वीडियो शीट की रिक्वायरमेंट है तो कॉन्टैक्ट करें एसएम प्रोडक्शन हाउस। और अपने फिल्म शूट, वेडिंग शूट, प्री वेडिंग शूट, शॉर्ट मूवी, वेब सीरीज, कैंडिड फोटोग्राफी, पोर्टफोलियो और हर प्रकार का सिनेमाटोग्राफिक वर्क करवाएं वो भी बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पर। फॉर डिटेल्स कॉन्टैक्ट एसएम प्रोडक्शन हाउस और अभी कॉल करें नीचे दिए गए नंबरों पर। आई रिकमेंड एसएम प्रोडक्शन हाउस।